तकरीबन 10,000 लड़कियां जो सिर्फ श्रीनगर में हैं जिनकी शादी नहीं हो पा रही है. तो रिसेंटली हमने एक मास शादी की जिसमें हमने ऑलमोस्ट 50 कपल्स को जो है फ्रॉम डाउनट्रोडन फैमिलीज जो है उनकी शादी करवाई, जिसमें हमने एक किट प्रोवाइड किया उनको. किट में हमने उनको 7 सूट्स दिए, 7 ब्राइडल सूट्स दिए, और शॉल दिया, और फुटवेयर दिया, बैग दिया, एक गोल्डन इयररिंग दिया, और एक सेविंग मशीन दी, और बैग्स वगैरह जो भी रिक्वायरमेंट होती है एक लड़की की वो हमने पूरा करने की कोशिश की. मेरा ये मकसद था कि लड़कियां, इवन इफ वी आर गेटिंग देम फ्रॉम डाउनट्रोडन फैमिलीज, इनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इन पे कोई एहसान हो रहा है, जिसमें वो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स ना डेवलप हो. तो उस चीज़ को दूर करने के लिए हमने एक प्रॉपर मेहंदी रात जो है हुई, हमने कोशिश की, एक साइकाइट्रिस्ट को बुलाया, एक इस्लामिक स्कॉलर थे उनको बुलाया, और एक साइकोलॉजिस्ट थी. हम खुतबा जो है निकाह में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारे, बिकॉज उसमें राइट्स के बारे में बात करते हैं और यू नो सो मेनी थिंग्स वी टॉक अबाउट, बट देन अनफॉर्चुनेटली जब शादी के माहौल में वो मिस हो जाता है तो वो उनको पता लगे कि खुतबे में क्या होता है. वो खुतबा हमने पहले ही प्री वेडिंग काउंसलिंग सेशन में जो है वो हमने करवा दिया, जो आप मलमस कहते हैं कश्मीरी में, हमने उसको प्री वेडिंग काउंसलिंग सेशन में तब्दील किया. फर्स्ट टाइम इन कश्मीर वी केम अप विद द कॉन्सेप्ट ऑफ प्री वेडिंग काउंसलिंग. वी आर टारगेटिंग श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट नाउ, क्योंकि लड़कियाँ इतनी ज़्यादा हैं श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे मैरिजेबल एज जो है उन्होंने क्रॉस करी हुई है. नोइंगली अनोइंगली हम ये कहते हैं ये तो लड़की के लिए है. कश्मीर में क्या है, इच वेमस पानस क्यूत एचुनाथसित किन, बट देन अल्टीमेटली इट यू नो इट अमाउंट्स टू दैट, इट रीचेज दैट थिंग ओनली. हम कितना वेस्ट करते हैं शादियों में अगर हम उसी चीज़ को मद्देनजर रखें, वेस्ट ना करें उन, और इन लड़कियों का हम जो है ध्यान रखें, तो मुझे लगता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है. बेशक हम वहाँ पे कहवा और वो सब रखा, बट देन हम पैक्ड फूड था, कुछ भी वेस्ट नहीं हुआ, जो कुछ भी था वो सब इस्तेमाल हुआ. तो मुझे लगता है उस चीज़ में हम कामयाब हो गए अल्हम्दुलिल्लाह वो करने में. ये आइडिया है, मैं ग्रेटर कश्मीर एक दिन पढ़ रही थी और मैंने देखा कि 10,000 लड़कियाँ जो हैं बिना शादी के हैं अभी, जिन्होंने 40 क्रॉस किया हुआ है, मैरिजेबल एज क्रॉस करी हुई है. हाउ डू वी डील विद दिस, इट्स सच अ ह्यूज थिंग दैट वी आर फेसिंग. एक औरत आई, उसने कहा उसका फादर नहीं था लड़की का, यतीम थी, तो उसने कहा कि इसकी आप मदद कर सकते हैं. तो आई डू नॉट हैव एनी आइडिया, मुझे लगा हमारे फंड्स इतने लिमिटेड हैं, डिफिकल्ट इट इज़ टू कन्विंस पीपल कि आप डोनेट करें, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर इतना ट्रस्ट डेफिसिट हो गया कि आप मुश्किल हो गया लोगों को ये समझाना कि ये लोगों की बेहतरी के लिए है. इट इज़ फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. अल्हम्दुलिल्लाह यू नो आई वेंट टू पीपल, आई पर्सनली वेंट टू देम एंड आई टोल्ड देम लाइक दिस इज़ द थिंग. हमारी आश की एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बनी शाइस्ता जी, उनका नाम है शाइस्ता शफी, तो एक स्कॉलर हैं. तो यू नो शी जॉइंट हैंड्स एंड इस टाइम मुझे ऐसा लगता है कि एज इफ यू नो नथिंग इज पॉसिबल विदाउट हर. सो इट वॉज मेनली वेमेन पावर, यू नो. There was 92.7 Big FM. They supported me. I mean, my friend RJ Hayat, she was always there behind the curtains. She never, you know, uttered a word, but she was there. So it was all women power, girl power. So undoubtedly there were men also. Without their support, nothing was possible. But then yes, there were women, you know, behind the scenes, who were supporting me. हमारे जो hospitality partners थे, बिन्यामीन साहब, गुलजार hospitality partners. अच्छा, उन्होंने ही कॉन्ट्रीब्यूशन किया अराउंड 7 लाख रुपीज़. ही डिड नॉट चार्ज मी अ पेनी फॉर टेंट, जिसको वो जनरली 8 से 10 लाख रुपए चार्ज करते हैं. उन्होंने एज CSR मुझे वो टेंट प्रोवाइड किया. जैसे हमारी मेकअप आर्टिस्ट थी सबरीना, तो सबरीना ने शी यू नो टुक केयर ऑफ 42 ब्राइड्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बट शी डिड नॉट चार्ज मी अ पेनी. देन यू हैव हमने प्री वेडिंग काउंसलिंग जो है फॉर्चून में करवाई. शायद लोगों को ऐसा लगा हो कि इनके पास बहुत पैसा है, बट देन दैट वाज एब्सोल्युटली फ्री. इट वाज जस्ट यू नो इट वाज अ जेस्चर फ्रॉम मिस्टर आसिफ बुर्जा. लोगों को ये कहा कि नॉट ओनली इन द फॉर्म ऑफ कैश, यू कैन इवन प्रोवाइड अस इन द फॉर्म ऑफ काइंड. या फेयर डील कॉम्प्लेक्स, यू नो एज अ मार्केट दे केम फॉरवर्ड एंड दे प्रोवाइडेड अस विद ब्राइडल सूट्स. तो पहले वो दूसरे दिन के वो हेवी सूट्स तो अल्हम्दुलिल्लाह उनने कवर अप कर लिए. फिर काफ़ी लोग आए जो यू नो इतने सारे लोग आए जो कपड़े जूते
ये सब लेकर आ गए. तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यू नो इट जस्ट हैपेंड, वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे. यू नो आई एम नॉट अ फेमिनिस्ट काइंड ऑफ अ पर्सन. मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला ने मर्दों के लिए एक अलग किस्म का काम रखा हुआ है, औरतों के लिए एक अलग किस्म का उनका रोल रह सकता है. जस्ट आपकी नीयत सही हो, आपके इरादे नेक हो, दैट्स अबाउट, दैट्स ऑल यू नीड. गर्ल्स कैन एक्चुअली डू वंडर्स.